सावनेर में शिवहोम तंत्रश्री राजा राजेश्वरी आश्रम परसोड़ी के तत्वावधान में परसोड़ी स्थित आश्रम में एक आयोजन के दौरान सावनेर का टोल तथा रामटेक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को वैद्यकीय उपयोग में आने वाली मेडिकल साहित्य का वितरण किया गया। कुछ दिन पूर्व ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सावनेर को गुरुजी राजकुमार बसवार द्वारा वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसलिए कुछ साहित्य का वितरण किया गया था। उस कार्यक्रम में उपस्थित जिला परिषद के उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे ने गुरुजी से विनती की थी कि ग्रामीण भाग के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में इस कोरोना वायरस की महामारी से सामना करने के लिए कुछ साहित्य की आवश्यकता है। गुरुजी ने वह विनती स्वीकार कर सावनेर तालुका के खापा केड़वत बड़े गाँव कमलेश्वर के तिष्टी काटोल के येनवा तथा रामटेक तालुका के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को वहाँ के मेडिकल ऑफिसर द्वारा बताए गए साहित्य उपलब्ध कराए। 6 जून को परसोड़ी स्थित शिव होम तंत्र श्री राज राजेश्वरी आश्रम में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सेलोकार, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, सावनेर पंचायत समिति सभापति, कलमेश्वर पंचायत समिति सभापति, विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से आए मेडिकल अधिकारी, जिला परिषद के सदस्य गेवन एवं मान्यवरों की उपस्थिति में लगभग 10 लाख रुपए का वैद्य के उपयोग में आने वाला साहित्य हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि बर्वे ने आश्रम द्वारा इस महामारी के दौरान विशेषतः ग्रामीण भाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को किए गए इस मदद कार्य की सराहना की और गुरुजी राजकुमार बसवार तथा गुरुमाता दीप्ति बसवार इनका शुक्रिया अदा किया। तो वही डॉक्टर सेलोकर इस कार्य को लेकर बहुत ही अभिभूत हुए और तीसरी लहर में जो शासन द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है उसी में ग्रामीण भाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इस मदद से बहुत सहायता मिलने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन डोमासाव साहू जी ने किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना एडवोकेट शैलेश जैन ने की तथा आभार प्रदर्शन का काम जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे ने किया। इस अवसर पर गुरुजी राजकुमार बसवा ने कहा कि सेवा ही मानव धर्म है। संकट के समय अगर हम समाज और सरकार के काम नहीं आएंगे तो कैसा होगा, और वैसे भी दान करना हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। दान करने से कभी धन क्षय नहीं होता अपितु बढ़ते ही रहता है। यह मेरा और मेरे हित चिंतकों का एक छोटा सा प्रयास है और आगे भी कुछ मदद कार्य करने का अवसर मिला तो अवश्य करेंगे। हमेशा मैं जीव हित के लिए ज़्यादा जगना चाहता हूँ, जन हित के लिए जगना चाहता हूँ, ग्राम हित के लिए जगना चाहता हूँ, देश हित के लिए जगना चाहता हूँ। मेरी ये सब इच्छा रही हुई है कि हर प्रकार से मैं जैसी भी मदद रहे वैसा मैं करने की पूरी प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। बस ये कहते हैं अपने दोस्तों से। महाराष्ट्र TV 24 के लिए किशोर ढुंडेले सावनेर।